हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यदि आप बीएससी फर्स्ट जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, जो कि महात्मा ज्योतिष फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एक सूचना निकल कर आ रही है कि मिड सेमेस्टर वाइज परीक्षा 29 तारीख की आपकी परीक्षा शुरू होगी, जो कि 11वां महीना है और 2021। ठीक है, तो आपका कल का दिन बचा हुआ है जो कि रविवार है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं रविवार में ही। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियोज को हमारी देखा है और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और ये महात्मा ज्योतिष फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एक खबर निकल कर आ रही है कि मिड सेमेस्टर परीक्षा आपकी शुरू होने वाली है 29 तारीख को, और आपकी जो परीक्षा का ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का। तो काफ़ी जल्दी से आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा क्योंकि ड्यूरेशन 1 घंटे की है और 25 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, सभी पेपर जो होंगे वो 25-25 नंबर के होंगे। जो 20 नंबर हैं वो आपको आप अपनी जो कॉपी में लिखकर आएंगे कंटेंट उसके हिसाब से मिलेगा, और 5 नंबर जो हैं वो कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो परीक्षा है इसके जो नंबर हैं वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट पर जुड़ेंगे। तो आप ये बात अच्छी तरह से जान लें कि आपके जो परीक्षा के जो इस परीक्षा के जो नंबर हैं वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में जुड़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जियोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर होने वाला है, और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पूरा पेपर होगा वो आपका दिसंबर के लास्ट में होगा या जनवरी में भी हो सकता है। ठीक है, और जो इसका जो मिड सेमेस्टर है, ठीक है, जो 25 नंबर का है वो आपका 29 तारीख को शुरू होगा। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जियोलॉजी, जो कि जियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल 1 दिन में, और रविवार 1 दिन बचा है आपका, रविवार में आप तैयार कर सकते हैं इन प्रश्नों को अच्छी तरह से ताकि आप 25 नंबर ला पाएँ मिड सेमेस्टर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है हमने आपको बता भी दिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में या चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। और प्लाज्मा झिल्ली का द्रव्य मौजिक मॉडल यानी फ्लूइड मौजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे भी आप तैयार करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा था। ठीक है, और जो राइबोसोम है ये भी पूछे जाने की संभावना है, यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, जो भी मैं आपको अभी आपको 11 क्वेश्चन बताऊँगा, 11 क्वेश्चन यदि आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। और यहाँ पर केंद्रक जो है वो केंद्रक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिसे हम न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं, तो आप ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना। डीएनए तथा आरएनए के बारे में अच्छी जानकारी लेना, इसमें अंतर भी देख लेना। ठीक है, और 7वां जो है क्वेश्चन कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बता भी दिया है, आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सेल डिवीजन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेंडल का नियम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेना। और जेनेटिक यानी अनुवांशिकता इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, आप चैनल पर जाइए देख लीजिए। और प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो पूछा ही जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, रासायनिक, ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा झिल्ली भी, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये मानव में लिंग निर्धारण जो है ये मैंने अभी नहीं बताया है, आप जाकर या अपनी नोटबुक हो या आपके पास बुक हो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और वैसे आपको इतने टॉपिक तैयार होने चाहिए, जितने मैंने 10 टॉपिक बता दिए हैं, 10 टॉपिक यदि आपने तैयार कर लिए हैं तो आप पास हो सकते हैं, यदि आपने एक भी मिस कर दिया तो आप नहीं हो सकते हैं, क्या कहीं कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से डायग्राम सहित तैयार करके जाना। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम तैयार नहीं करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको 25 के 25 पूरे नंबर लाने हैं। ओके, तो ये 1 घंटे का पेपर है, प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप 25 नंबर से पास हो पाएँ।
तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो सेमेस्टर परीक्षा है वो दिसंबर के लास्ट में होने वाली है, ठीक है, और जनवरी में भी हो सकती है। तो और जो हमारी जो यूनिट जो बची हुई हैं वो भी मैं फटाफट से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। दिसंबर से पहले पहले आपकी जो यूनिट हैं वो सब समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है। और जो मिड सेमेस्टर का जो पेपर था वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।